हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय माता दी। डियर स्टूडेंट, आई वाज टीचिंग यू पास्ट परफेक्ट टेंस। इन पास्ट परफेक्ट टेंस आई टॉट यू इंटरोगेटिव सेंटेंस। टुडे आई विल टीच यू इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट द लास्ट वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। इफ यू डोंट वांट टू राइट हैडंट, डियर स्टूडेंट्स यू कैन राइट हियर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यू कैन ऑल्सो राइट दिस काइंड ऑफ द फॉर्मूला। So let's start. So, what is the first sentence? First sentence is क्या हुआ है? सुबह जल्दी उठ चुका था। सुबह जल्दी नहीं उठ चुका था। सबसे पहले हम आइडेंटिटी करते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हमें आराम से पता चलता है डियर स्टूडेंट्स दैट लास्ट में चुका था आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आप सेंटेंस देखना है कि ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। यहां से हमें पता चला है दिस इज इंटरोगेटिव, और ये नहीं आया तो हमें पता चलेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या और नहीं, इन दोनों को हमें क्या लिखना दोस्तों? हैडंट। ये लिख गया हैडंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। हैडंट ही। अब उठने का क्या हो जाएगा? गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग अब क्या है? क्या हुआ है? सुबह जल्दी नहीं उठ चुका था। इफ यू वांट टू ऐड हियर यू कैन ऐड हियर यस्टरडे। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम बच्चों के साथ पार्क में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। ये हमारा सेंटेंस हुआ। फिर से हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या, और हमने देखा नहीं, तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है? इंटरोगेटिव। और सेकेंड वाला सेंटेंस जब हम आगे चलते हैं, इसी के आगे चलते हैं, तो हमें क्या नहीं, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हैडंट यू। अब लास्ट में क्या बचा? खेल चुके थे, प्लेड क्रिकेट इन द पार्क अब किसके साथ? के साथ। के साथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? विद और चिल्ड्रन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो अवर सेंटेंस इज रेडी। आई हैव ट्रांसलेटेड हिंदी टू इंग्लिश। हैडंट यू प्लेड द क्रिकेट भी कर सकते हैं, प्लेड द क्रिकेट इन द पार्क विद चिल्ड्रन। दिस इज अवर कंप्लीट सेंटेंस। नाउ थर्ड, क्या पापा जी बाजार से नहीं लौट चुके थे? क्वेश्चन मार्क। क्या उसी तरह से
फिर नहीं, तो इसके हम लिए हम क्या लिखेंगे, हैडंट, पापा जी को फादर, हैडंट फादर, या तो रिटर्न लिख दीजिए या केम बैक का क्या हो जाएगा, कम बैक, कम बैक, कम केम कम, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कम ही रहेंगे, हेड एंड फादर कम बैक फ्रॉम द ऑफिस। यहां हमने मार्केट लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, फ्रॉम द मार्केट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो अवर सेंटेंस इज रेडी, हेड एंड फादर कम बैक फ्रॉम द मार्केट। अब हम इन्हें क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं, ठीक है ना, हाउ टू आंसर आप द क्वेश्चन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, हैडंट ही कॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ यू वांट टू आंसर इन पॉजिटिव, यू कैन आंसर इन पॉजिटिव, सो यू विल ही, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ही अगेन, हैडंट ही कॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, देन वी विल से यस ही हैड कॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। If you want to answer this question in negative, then you can answer that no, he hadn't got up early in the morning yesterday. Now next is, hadn't you played the cricket in the park with children? Hadn't you played cricket in the park with children? Answer, yes, I had played cricket in the park with children. No, I hadn't played the cricket in the park with children. Now next is, hadn't father कम बैक फ्रॉम द मार्केट, यू आंसर यस फादर हैड कम बैक फ्रॉम द ऑफिस। यू कैन ऑल्सो राइट हियर रिटर्न, फादर हैडंट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस यस्टरडे फ्रॉम द मार्केट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक सेंटेंस आवरसेल्फ, इट इज कंपल्सरी बिकॉज वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर। Sir has told us formula and I have also told three sentences Hindi to English. Now we will only just think in English and speak in English. So let's ready. Had they flown the kite on 15 August? Then we have to change this. Hadn't they flown the kite on 15 August? Yes, they had flown the kite on 15 August. Again, next. Hadn't you worshipped during the दुर्गा पूजा, डीपी, यस आई हैड वर्शिप्ड ड्यूरिंग द डीपी दुर्गा पूजा। हैडंट सी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन द क्लास, यस सी हैड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन द क्लास। वन सेंटेंस मोर, हैडंट यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर, नो आई हैडंट थॉट अबाउट माय फ्यूचर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टॉप हियर, आई होप यू all are understanding my topics easily and just try to spread my channel, dear students. Subscribe my channels. I need help of to all of you. दोस्तों मुझे आप सबके help की बहुत जरूरत है, आप मदद करिए, channel को देखिए, पूरे video देखिए। Okay dear students, today I stop here and I will meet you in next video. जय माता दी।